पानी इतना धीमा क्यों आ रहा है? अरे भिड़े, अगर भाई जेठा भाई क्यों बुला रहे हैं अभी? ए भिड़े, हेलो, बोला था ना आज का दिन भारी है और दिन अभी बाकी है मेरे दोस्त। आए मुझ पे माइक करता। क्या हुआ जेठा, क्यों परेशान कर रहे हो? परेशान हो रहे हो? क्या बताऊं भिड़े, मेरे नसीब में परेशान होना ही लिखा है। इसलिए मैं पहले से बोल रहा था, आज भी बोल रहा हूँ जेठालाल, कि अगर टप्पू को पहले से काबू में रखा होता ना तो आज वो बेकाबू नहीं होता। अभी पानी सर के ऊपर से चला गया ना। अरे पानी पैर के अंगूठे के ऊपर से नहीं जा रहा है, तू सर की काम बात कर रहा है? और ये पूरी बात में टप्पू को काम बीच में ला रहा है तू भाई? अरे सुन तो लीजिए उनको क्या कहना है। बिना वजह टप्पू को आप बीच में ला रहे हैं। बेकाबू बेकाबू है, आप काबू में रहिए। आपको पता है ना आज का दिन भारी है आपके लिए। थैंक यू माधवी भाभी। मतलब आपने क्या बोला हो मुझे सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन आपने जो भी कहा होगा सही कहा होगा। भाई भिड़े, अगर तू चाहता है कि दूसरे लोग खुश रहे तो माधवी भाभी की बात जरा सुना कर। ओके ठीक है, चलो। भाई और क्या, चल। तो फिर क्या जेठालाल, तुम प्रॉब्लम बता ही नहीं रहे हो। भाई मैं तो बता रहा था खामा के बीच में टप्पू को लेके आया। ठीक है बोलो भाई बोलो। क्या बताऊं भिड़े, हमारा बाथरूम का नल है ना, उसमें पानी दो तीन दिन से बहुत एकदम धीमे धीमे आ रहा है। वो बाल्टी भरने में 2 घंटा लगता है। बोलो, ये पर्सनल प्रॉब्लम में भी सेक्रेटरी को परेशान कर रहे हैं। क्या काम है भाभी? ये मैंने बोला कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यही बोला? हाँ यही बोला मैंने जेठालाल, क्या तुम्हारे बाथरूम में प्रॉब्लम है ना तो मैं क्या करूँ। अरे मैं क्या करूँ म्हणजे काय, आपण गोकुलधाम सोसायटीचे एकमेव सेक्रेटरी आहोत ना। जेठालाल मैं सोसायटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी नहीं हूँ भाई। म्हणजे? अच्छा तुम्हारे बाथरूम के नल में सिर्फ पानी कम आ रहा है कि बाकी सब नल में भी कम आ रहा है? बाथरूम के नल में खाली। तो कर लो हमारा प्रॉब्लम का है। क्या है, तुम्हारे बाथरूम के नल का जो पाइप है ना उसमें कचरा अटक गया होगा, इसलिए पानी स्लो आ रहा है। वो कचरा निकाल दो तो पानी आ जाएगा फास्ट। और ये जो बाथरूम का नल का पाइप है ना, वो साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, सोसाइटी की नहीं। अरे लेकिन बाथरूम के नल के पाइप में कचरा तो वो पानी से ही आया होगा ना, और वो पानी वो टंकी से आता है, तो टंकी तो सोसाइटी की है ना। नहीं जेठालाल, सोसाइटी की टंकी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां से कोई कचरा नहीं आता है। क्या होगा, तुम्हारे बाथरूम के पाइप में ना जंग लगा होगा तो उसी का कचरा होगा, वो तुम साफ कर दो, पानी आ जाएगा अपने आप पास। एक बार हमारे बाथरूम में भी ऐसा ही हुआ था, तो इन्होंने क्या किया, वो पूरा नल खोला, उसमें वो तार डाल के पूरा कचरा बाहर निकाल लिया, तो मस्त तपेगी पानी का फ्लो आ रहा था, मतलब उससे भी ज्यादा। वो कि नहीं, काय गरज होती बोलाई छी। वाह वाह भिड़े, तुझे आता है ना, तो आ जा आ जा आ जा, जरा आके हमारा भी वो बाथरूम का पाइप जरा साफ कर देना प्लीज भाई प्लीज। जेठालाल मेरी क्या जरूरत है, वो काम बहुत इजी है, तो तुम भी कर सकते हो, या किसी प्लम्बर को बुला लो। अरे भाई अभी तेरे पे ताजा अनुभव है ना, आ जाना भाई, हो जाएगा फटाफट, आ जाना प्लीज। बात अगर अनुभव की जेठालाल, तो मेरे से ज्यादा अनुभव तो प्लम्बर को होता है ना। अभी यार इतना भाव क्या खा रहे है, आना भाई क्या है यार। नहीं नहीं भाव खाने की बात नहीं जेठालाल, दरअसल क्या है कि जब मेरे घर में जब प्रॉब्लम हुआ था ना ये बाथरूम में, तो मैंने पाइप तो साफ कर दिया था, लेकिन नल को वापस फिट करते वक्त मेरे से वॉशर टूट गया था, तो मुझे प्लम्बर को ही बुला के सब ठीक करवाना पड़ा। हम आदमी भाभी, अरे उसे तो मालूम ही नहीं है, वो थी कहाँ घर पे, वो अचर पापड़ की डिलीवरी करने गई थी, इसलिए तो मैंने प्लम्बर को बुला लिया था घर पे। इन शॉर्ट जेठालाल, प्लम्बर ने ही प्रॉब्लम सॉल्व किया था, मेरे से तो बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी। फिर भी तुम चाहते हो तो मैं आके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है आजा, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, आजा आजा आजा। ये कमाल है, मेंबर ला प्लम्बर ला बोलवाते नहीं है यार, तुम प्लम्बर को क्यों नहीं बुलाना चाहते? अरे अभी प्लम्बर काम है, फोन करो कभी आएगा तो हाजिर रहने, इधर हो जाएगा फटाफट। नहीं नहीं मैं नहीं आने वाला, तुम प्लम्बर को ही बुलाओ। अरे कमाल है मानूस, तुझे प्लम्बर से पैसे वाते तो निष्करण का अर्थ है काल का। हाय बड़े, हाय, अभी प्लम्बर को ही बुलाना पड़ेगा। मुसीबत है, चाय भी नहीं पीने दे। आओ थाबा, ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी लेकर आती हूँ, दीजिए। हाँ हाँ देवा, आज का दिन तो वाकई भारी होते जा रहा है। पहले का है तो लीकेज का प्रॉब्लम, अभी क्या तो पानी स्लो आ रहा है, ये प्रॉब्लम। ये जेठालाल पानी के प्रॉब्लम को लेकर और परेशान ना करे तो अच्छा है। क्या हुआ भिड़े भाई ने? भिड़े ने बोला कुछ टाइम पहले उसके बाथरूम में भी ऐसा ही प्रॉब्लम हो गया था, तो बोलते वो पाइप में कचरा फंस जाता है ना, तो ऐसा होता है, तो प्लम्बर बुला के अभी वो पाइप साफ कराना पड़ेगा। बापू जी दे, प्लम्बर का नंबर कहाँ है?
हाँ वो दे दीजिए, लाट साहब को प्लम्बर का नंबर दे दीजिए, फिर ये भाई साहब प्लम्बर को फोन करेंगे, फिर प्लम्बर आएगा, प्लम्बर पाइप से कचरा साफ करेगा, फिर ये भाई साहब आराम से नहाएंगे, फिर तैयार होंगे, फिर चाय नाश्ता करेंगे, और उसके बाद अगर समय बचा तो ये भाई साहब दुकान जाएं, है ना? अरे किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है, पाइप हम ही साफ कर लेंगे। बापूजी ये छोटा मोटा काम नहीं है, वो नल खोलना पड़ेगा, फिर वो कचरा निकालना, ये प्लम्बर का काम वो आएगा फटाफट कर देगा बापूजी। अरे दो मिनट का काम है, चल मैं तेरी मदद करता हूँ। क्या मुसीबत है, अभी प्लम्बर बनना पड़ेगा। बापूजी आप रहने दीजिए, आपको नाटक देखने के लिए जाना है ना, आप जाइए वरना देर हो जाएगी। हाँ बापूजी आप जाइए, मैं कर लूंगा। हाँ। मुझे पता है तू कैसे करेगा, मेरे जाने के बाद तू खुद कुछ नहीं करेगा, प्लम्बर को ही बुलाएगा। अभी मेरे पास टाइम है, चल फटाफट कर लेते हैं। जय तार लेकर कहाँ से? मालिया में है ना। ओहो बापूजी मालिया पे है। अरे ओ वाली मालिया घर में ही है ना, चांद पे थोड़ी है, जा जाके तार लेकर। स्टूल वूल कुछ दे, किधर है सब स्टूल ने ला खड़ी क्या देना भाई। चिंता मत कीजिए, मैंने पकड़ा है। हाँ हाँ भाभी हिला मत, तू कैसे पकड़ रही है? तो बुगा बाप टेंशन मत लीजिए, मैंने सीढ़ी बराबर पकड़ी है। आभार आपका, अभी बताने का कष्ट करेंगे। ये मालिए पे कहाँ रखा है तेरा तार? जरूर देखिए, तार के पास जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता वो जो नीले रंग की कोथड़ी है ना, उसके पीछे हरे रंग का वायर का पिंजरा है, उसके बाजू में ही तार है। और दूसरा रास्ता ये जो बैग है ना, उसके ऊपर वो पोटला पड़ा है, बस उसके पीछे ही तार पड़ा है। तो ये दो रास्ते है तार के, बोलिए आप कौन से रास्ते से जाना पसंद करेंगे? वैसे आप कोई भी रास्ते से जा सकते हैं। चले पकड़। रेवा देने भाई चांपली, कोई कपड़ा पड़ा लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो तो बापू जी की हाँ में हाँ मिलाती रहती है। अरे मैंने भला कब हाँ में हाँ मिलाई? क्या जरूरत थी कहने की? हाँ है ना मालिए पे तार है, ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? कह देती कि मालिए पे क्या पूरे घर में कहीं तार है ही नहीं, तो बापू जी राजी हो जाते ना प्लम्बर को बुलाने के लिए। पापा आपको पता है ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती, और मैं क्या मेरा सुंदर वीरा भी कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन से ही हमें संस्कार ऐसे दिए हैं। संस्कार? हे ऊपर वाले, सुबह सुबह मुझे फंसाने के अलावा और कोई काम नहीं है आपके पास? अच्छा भला दुकान बेचने की जगह नल का पाइप साफ करने के लिए तार ढूंढने में लगा दिया। कोई नहीं है, कोई फायदा नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, मैं अकेला बोल बोल करता हूँ। ले पकड़। अरे टप्पू के पापा आपने बैग क्यों फेंक दी? अरे मैंने फेंकी नहीं, मैं तो तुझे देने गया, तू यहाँ थी नहीं तो बैग अपने आप फेंक गई, तू कहाँ चली गई थी? झाड़ू लेने। क्यों? वो क्या है सामान धीरे धीरे नीचे उतर ही रहा है, तो आप जरा मालियों में साफ सफाई कर देंगे? सुबह सुबह मुझे प्लम्बर बना के तेरा दिल नहीं भरा कि अभी सफाई कामदार बना रही है मुझे? ऐसा नहीं होता है, मैं अंजल के लिए बोलती हूँ, अगर मालिया साफ रहेगा तो घर में स्वच्छता रहेगी, घर में स्वच्छता रहेगी तो माता जी का वास होगा, माता जी आएंगे यानी लक्ष्मी जी आएंगे, लक्ष्मी जी आएंगे तो बहुत सारे पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे तो कितने सारे मालिया हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही थी। मैं कुछ ऐसा किसी ने नहीं बोल रही थी। ए भाई ये पानी के साथ खेल क्या रहा है? ला मुझे जमा कर दो। ला। मैं खेल नहीं रहा हूँ बाबूजी, वो पाइप के हिसाब से वो उसका वो करना पड़ेगा ना, बराबर वो खोलना पड़ेगा ना, इसके लिए वो देख रहा हूँ कितना वो माप है। अभी इसको थोड़ा टाइट कर दे।
पहले नल तो खोलना दे भाई, उसके पहले ये काम क्या करूँ उसका मैं। लगा जोर लगा। ए, नल घूम क्यों नहीं रहा? किसने फिटिंग किया है इसका? तो पाइप के साथ नल का वेल्डिंग कर दिया है क्या? और ले टपुकी पापा, आप मुझे दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। अरे मुझसे नहीं खुल रहा, तुझसे कहाँ से खुलेगा दया? हाँ बहू तू रहने दे। हाँ रहने दे तू। हाँ वाली तू भी रहने दे, ला मुझे दे, मैं करता हूँ। नहीं नहीं बापू जी मैं हूँ। अरे होते हुए आप क्यों? नहीं नहीं मैं खोल दूंगा बापू जी, आप चिंता मत कीजिए। क्या जल्दी कर, कितना टाइम? बापू जी आप तो ऐसे बोल रहे जैसे ये मेरा रोज का काम है। जिंदगी में पहली बार नल खोल रहा हूँ बापू जी, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना प्लीज। अभी तो उसे नहीं मार रहा था कि मैं खोलता हूँ, कहाँ खोल रहा है तुझसे? टप्पू के पापा आप एक बार मुझे करने दीजिए ना। देखो खोल ले, बहुत होशियारी मार रही है, कर ला ला इधर जा कर। अरे इस तरफ बहु, इस तरफ। हाँ क्यों हो जाए? लग जाएगा भाई तुझे, अभी मुंह पे लग जाता अभी है नल बल बाजू में साइड में साइड में, तू रहने दे भाई। तो हाथ फंस की गए। मैं कर रहा हूं भाई, मैं कर रहा हूं बाबू जी। हां तो टपुक पापा एक मिनट, अब यह स्टूल रखिए, ये स्टूल है ना इसके ऊपर खड़ा रहिए, इससे जरा और वजन आएगा। इसके ऊपर घुमा मारिए तो शायद थोड़ा इधर इधर घुमा मारने से कैसे खुलेगा? कल जोर लगा ले भाई। बापूजी जोर तो लगा रहा हूँ, काश इधर हो, जोर का मीटर होता तो आपको पता चलता हूँ, कांटा हिलता ना तो आपको समझ में आता मैं कितना जोर लगा रहा हूँ। मीटर वाली अभी ऐसे ही मैं कैसे यकीन दिलाऊं आपको कि मैं कितना जोर लगा रहा हूँ? जितना मन पड़ रहा है उतना जोर लगा रहा हूँ बापूजी। मेहनत तो कर रहे हैं बापू। ये आता तेरा ये स्कूल, लगा लगा जोर लगा। अच्छा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है भाई? नहीं खुल रहा बापूजी, है नल बहुत वाइड है, मतलब बहुत टाइट है, खुल ही नहीं रहा है। अरे नल की गलती मत निकाल, ये जलेबी फाफड़े की ताकत से नहीं खुलेगा। तो हट, मैं खोलता हूँ। बाजू हट, बाजू हट। बापूजी रहने दीजिए, कहीं हड़के पे हड़का चढ़ गया, मेरा मतलब है नस पे नस चढ़ गई या हाथ मच पड़ा गया तो उपाधि हो जाएगी। अरे तू दो मिनट शांति रखना भाई, तू प्लम्बर को बुला लेते ना, दो मिनट में कर देगा बापू जी, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं प्लीज। बापूजी मेरे देखा, वाह बापूजी, बापूजी बापूजी तो पूरे भीग गए। ये क्या किया तूने? क्या बापूजी मैंने क्या किया? अरे तूने नल बंद नहीं किया। अरे नल तो बंद ही था ना, आप जब भी खोल रहे थे तभी बाबूजी। ये बाबू चक, ये नल नहीं, तेरे इसमें जो मेन नल होते हैं मेन वाल, वो बंद नहीं किया तूने? नहीं। ये कल वगैरह जा, इतना भी पता नहीं है, बाथरूम का नल रिपेयर करना हो
तो पहले टेरेस में जाके मेन वॉल बंद करना पड़ता है। सॉरी मैं भूल गया। भूल गया अरे। अरे टप्पू के पापा अभी भी खड़े क्यों हैं? जल्दी से जाइए वॉल बंद कीजिए। हाँ ठीक है बापूजी एक मिनट दया कर तू ये पकड़ कर रख बापूजी दया वो करते आप जाइए। बापूजी आप कपड़े बदल लीजिए बहुत गंदे हैं। हाँ बापूजी आप कपड़े बदल लीजिए। मैं कपड़े बदल के आता हूँ। सुबह सुबह पाइप की वजह से परेड हो गई। मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था कि पानी स्लो आ रहा है। अरे बाप रे यहाँ तो चार चार वाल है। इसमें से हमारे घर की लाइन का कौन सा वाल है कैसे पता चलेगा? अब्दुल को पूछता हूँ। अरे फोन घर पे रह गया। अभी एक एक वाल बंद करके नीचे चेक करने जाऊंगा तो शाम हो जाएगी। एक काम करता हूँ चारों वाल बंद कर देता हूँ फिर फटाफट बाथरूम का पाइप साफ करके फटाफट आकर सारे वाल चालू कर दूंगा। हाँ ये ठीक है। ठंडे ठंडे पानी से नहाना। मजाक करना बंद कीजिए। जल्दी ना आइए और बाहर आइए। याद है ना बुकशेल्फ भी साफ करना है। वैसे भी मैंने आपको पहले ही कहा था कि पहले सफाई कर लीजिए फिर नहाने जाइए। पर मेरी बात सुननी किसको है? ओ भाषण देवी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। सही में पानी चलेगा। देखो मेरी आंखों में साबुन जा रहा है भाई। रोशन जरा देख तो। देखी तो राम सोनी है। कितनी सोनी कितनी ब्यूटीफुल कितनी प्रीटी है। माय ब्यूटी क्वीन आई लव यू। अरे रोशन मने नहीं किचन में पानी नहीं आ रहा है वो देख। और मैंने बाथरूम में चेक किया ना तो बाथरूम में भी पानी नहीं थी। नहीं ए पीड़ू और अब्दुल ने टैंकी भरा है कि नहीं कोदाई जाने। चल 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 के देखते हैं। ओ पार तेरे हाथ के बने परांठे और लस्सी तो पीने दे यार। फिर चलते हैं। कोमल मैंने शेविंग शुरू ही की थी और पानी चला गया। ऐसे कैसे पानी चला गया? पता नहीं शायद पानी आया ही नहीं होगा। अरे ऐसे कैसे पानी नहीं आया होगा? चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। गए बापूजी कपड़े बदलने? हाँ हाँ बापूजी गए। अच्छा चलो अभी वो मैं पाइप से कचरा साफ कर देता हूँ। हाँ। वो तार कहाँ है? तार कहाँ गया? अरे लास्ट तो तेरे ही हाथ में था ना। हाँ 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 कहाँ रख दिया? हाँ मैं। अरे ला भाई जल्दी। हाँ 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 तो बाजू रे बाजू रे। ऐसे क्यों है पानी बंद हो सकता है यार? ओ पिड़ू। बबीता जी, हाँ, आपके घर पे पानी आ रहा है? नहीं मैं वॉशिंग मशीन चलाने गई तो पता चला पानी ही नहीं है। हा? अरे बबीता जी मेरे घर में भी पानी नहीं आ रहा है। अरे भाई भिड़े मास्टर। ओ पिड़ू ओ बाहर निकल यार। ओ भिड़े दोस्तों आज के जमाने में अगर इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या करेगा? मान लीजिए सुबह सुबह आपके घर में अखबार ना आए दूध ना आए। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोजमर्रा की चीजों में अगर रुकावट हो जाए तो आदमी फिर परेशान हो जाता है। और यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में तो पानी बंद हो गया है सबसे जरूरी चीज। लेकिन यह स्थिति है करे कोई भरे कोई बात। भाई पानी बंद हुआ है जेठालाल की वजह से और विकेट गिर गई है भिड़े की। लेकिन यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में जब लोगों को ये पता चलेगा कि कारस्तानी जेठालाल की है तब क्या होगा? भाई आपकी सोसाइटी में भी ऐसे हंगामे कई बार होते होंगे लेकिन यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में
पानी के लिए हंगामों का मतलब है आपके घरों में हंसी के फव्वारे। देखते रहिए, हंसते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ओहो, ये जेठालाल भी ना अपने घर का पाइप साफ करने के चक्कर में सोसाइटी के सभी वॉल बंद कर दिए। चिड़िया मानुस। ये पानी कहाँ से आ रहा है? हिमालय के गोत्र।